केक और बड़ा ही प्यारा सा ग्रीटिंग्स है इसमें। हाँ, प्लास बने हुए हैं और मेरे पास में काफी कुछ लिखा हुआ है कि मैं नहीं जानती रजत की ये ग्रीटिंग और गिफ्ट तुम्हारे पास पहुँचेंगे या नहीं, पर फिर भी भगवान की प्रार्थना करती हूँ कि बर्थडे तुम्हारा अब तक ये तुम्हारे बर्थडे अब तक तुम्हारा सबसे बेस्ट बर्थडे हो। हर्षा, थैंक यू हर्षा। आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपका गिफ्ट मेरे तक पहुँचेगा या फिर आपकी कोई बात मुझसे पहुँचेगी कि नहीं, क्योंकि अब जो भी मुझसे बात पूछनी हो, कुछ भी मुझसे करना हो, आप साजिश को बोलिए, वो जरूर आपकी बात कही हुई बात मुझसे पूछेंगे और मैं उस बात का आपको जवाब दूंगा। काफी अच्छा हुआ है और आई थिंक उन्होंने मेरे नाम का मीनिंग भी निकाल दिया है। रजत रिस्पेक्टिव, आर से रिस्पेक्टिव, के से एडोरेबल, जे से जॉली, ए से एक्टिव, सी से टैलेंटेड, शायद हूँ। थैंक यू। ये आगरा से भेजा है जैमनी के रॉबी ने और काफी अच्छा कार्ड है। एक और कार्ड है ये बड़ी मेहनत से बनाया होगा क्योंकि ये बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जिसने बनाया बहुत ही अच्छा बनाया है। ये आई थिंक तीन चार लोगों ने भेजा है, एक है प्रियंका, दूसरी प्रियंका, तीसरा आई थिंक सपना। इतने सारे कार्ड से मैं कितने पढूं, लेकिन हाँ ये क्यूट सा टेडी बेयर किसी ने भेजा है, उसका नाम नहीं था मेरे पास, सॉरी, लेकिन जिसने भेजा है थैंक यू आपके गिफ्ट के लिए। ये बड़ा ही क्यूट है, कुछ मेरे जैसे दिखता है लेकिन हाँ क्यूट है। किसी ने स्लैम बुक भी भेजी है, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं स्लैम बुक करके आपको स्लैम बुक फिल करके आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन आप अपना रिटर्न एड्रेस नहीं देते तो शायद मैं वापस भेज नहीं पाऊंगा। क्या करूं अभी मैं, बताओ, इतने सारे गिफ्ट आ रखे हैं। ये सूरज किरणों का दिन है, ये चांद सितारों का दिन है, आज कितना शुभ दिन है क्योंकि रजत आज तुम्हारा दिन है, चांद दिन है। अच्छा है भाई। अगला जो कार्ड मुझे दिया है ये है नम्रता, उर्वी, संध्या और रिद्धि, थैंक यू। काफी अच्छा सा कार्ड है। और एक और कार्ड है मेरे सामने, ये आई थिंक संध्या, रिद्धि, उर्वी और नम्रता ने भेजा है, काफी क्यूट सा स्लैम बुक है। अच्छा है स्लैम बुक, स्लैम बुक के बीच एक लेटर भी है, वाह, ये काफी अच्छा सा लेटर होना है। इन्होंने भी रजत का मतलब कुछ लिखा हुआ है, आर से रॉयल, ए से आर्टिस्ट, जे से जॉली अगेन, ए से अट्रैक्टिव और टी से टैलेंटेड, थैंक यू। मेरे नाम के बहुत सारे मतलब निकल रहे हैं आज। और एक और कार है, ये प्रीति ने भेजा है जबलापुर से, और उन्होंने कार्ड भी दिया है और ये काफी अच्छा कार्ड है, थैंक यू प्रीति। तुम्हारी आंखों में सूरज जैसा तेज है, तुम्हारी हंसी में शहर, तुम्हारी हंसी शहर जैसी मीठी है, तुम्हारा चेहरा खिला हुआ फूल है, तुम्हारे तुम्हें तारों की तरह हमेशा चमकते रहना है क्योंकि प्यारा सा भाई, प्यारा सा हमारा भाई रजत, पहली बार मतलब फिर दूसरी तीसरी बार किसी ने मुझे भाई बोला है। बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं आई लव यू रजत, ये वो, मतलब बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो मुझे भाई बोलते हैं, और मुझे डेफिनेटली जो कोई भाई बोलता है तो बहुत खुशी होती है, मन करता है कि चलो भाई बोल जाए। तो मेरी वैसे कोई भाई बहन नहीं है, सगा भाई बहन नहीं है, वैसे तो कजन्स बहुत सारे हैं, लेकिन जब कोई इतने प्यार से भाई बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है, सोचता है कि इसके लिए सब कुछ कर जाओ। अगला एक लेटर है वो श्वेता अग्रवाल ने यूपी से भेजा हुआ है, उन्होंने काफी कुछ लिखा हुआ और काफी अच्छा लेटर है ये, काफी कलरफुल लेटर है। इसमें राधे कृष्ण जी है, मिकी माउस है, मिनी माउस है, जूनियर मिकी है, जूनियर मिनी है, दो बाबी के भी लगा रखे हैं, पता नहीं क्यों भाई लोग बाबी का पता नहीं दे के बैठे, मुझे बाबी पसंद नहीं है, मैं लड़का हूँ यार। मणि ने मुझे फ्रेंडशिप बैंड दिया है, उस पर एक उन्होंने अपने नाम से दिया हुआ है, एक उन्होंने मेरे नाम से दिया हुआ है, थैंक यू मणि। शेर लिखा है भीवा पाठक ने, लिखा है कि चांद भी आया था जमीन पर अपना रूप बदल कर, जन्मदिन के अवसर पर सभी चाहते हैं गिफ्ट दें रजत से मिलकर। अब मिलना तो इतना आसान नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही दूर शूट कर रहा हूँ जंगलों में। एक और कार्ड है ये, ओके, ये है दीपिका रेहाना और हाँ दीपिका रेहाना ने काफी अच्छा कार्ड है। दोस्तों इतने सारे कार्ड मेरे को भेजे हुए हैं, मैं सोच रहा हूँ मैं इन्हें पढ़ लूंगा कब, मतलब
आप जब भी मेरे को कार्ड भेजते हैं, जब भी मैं आप लोगों के कार्ड भेजता हूँ, मेरे को डेफिनेटली 3-4 दिन तो जाते हैं आप लोगों के कार्ड पढ़ते हुए। आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें लेके आते हैं। कई बार तो मैंने देखा भी है कि आप लोगों ने मुझे कुछ सजेशन दिए हैं कि मैं अपने वॉइस पे थोड़ा वर्क करूँ, अपने बॉडी पे थोड़ा वर्क करूँ। थैंक यू। आप इसी तरह मुझे अगर अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में मेरी कमियाँ बताते रहेंगे तो फ्यूचर में शायद आपका एजुकेशन और भी अच्छा हो जाए। अब हम जाएंगे हमारे कक्ष में, आराम करने नहीं, कुछ जरूरी काम है। अब आराम का वक्त आपका है, लेकिन बहुत ही छोटा सा, जल्दी वापस आइएगा। और अपना शूटिंग लोकेशन दिखाए थे, इस साल मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पे मैं रहता हूँ। मेरा रूम थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, प्लीज बुरा मत मानिएगा मैं रूम गंदा लगा तो। ये है मेरा छोटा सा रूम, आप बिलीव करें या ना करें, लेकिन मैं थोड़ी भगवान की करेगा पूजा कर लिया करता हूँ। तो ये मेरे भगवान है, राधे कृष्ण जी की मूर्ति है, यह है लैपटॉप, मेरा सबसे बड़ा साथी, क्योंकि जब भी अकेला रहता हूँ मैं गाने सुनता रहता हूँ, और टीवी। ये मेरी फैमिली, ये मेरा फैमिली फोटोग्राफ आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मैम, ये मेरे मामा जी, ये मेरी मामी जी, ये मेरी मम्मी, मेरे नाना जी, मेरी बहन कजन सिस्टर, और ये सेकंड कजन सिस्टर, मेरे दोस्त। एक्चुअली उनका भी काम नहीं है तो वो लोग बॉम्बे गए।